हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशीष यादव और आप देख रहे हैं ज्ञान भाई आशीष यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट पार्ट और ये हमारा आज का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम दूसरा एक टॉपिक चालू करेंगे, तो हम इसमें देखते हैं जो हमने कल चालू किया था नंबर वाला कंप्लीट सेंटेंस। तो चलो हम देखते हैं। तो इन अ सर्टेन कोड 786 मीन्स होता है ब्रिंग मी एप्पल एंड 958 का मतलब होता है पील ग्रीन एप्पल और 645 का मतलब होता है ब्रिंग ग्रीन फ्रूट्स। तो हमें इसमें बताना है कि मी का मतलब क्या होता है। हम फटाफट इसमें देखते हैं। इसमें देखो हमें कॉमन क्या दिखता है। तो पहले हम देखते हैं मी किस में है। तो मी इसमें है तो एक शॉर्टकट होता है कि अगर आपको जिसमें से निकालना है सिर्फ उसी का कॉमन निकालेंगे तो हमें जल्दी देखने को मिल जाता है। चलो हम फर्स्ट सेंटेंस और दूसरे में से देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो इसमें देखते हैं हम सेवन इसमें नहीं है, एट इसमें ये रहा, तो एट एट इसमें कॉमन है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। तो ये देखो एप्पल और एप्पल, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि एप्पल का मतलब हो जाता है एट। चलो हम पहला और तीसरे में से देखते हैं कि क्या कॉमन है फर्स्ट और थर्ड में। तो चलो इसमें से देखते हैं सेवन नहीं है, सेवन नहीं है, फिर फोर भी नहीं है और फाइव भी नहीं है। तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं लग रहा है। तो हम नहीं ब्रिंग है, तो ये देखो सिक्स सिक्स कॉमन है, ये सिक्स और सिक्स, तो सिक्स ये ब्रिंग और ब्रिंग निकल गया, सिक्स का मतलब ब्रिंग। तो यहाँ पे सिक्स और एट निकल गया सेवन, तो इसका आंसर हो जाएगा सेवन, सेवन मतलब हो जाएगा मीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें फटाक से। तो इन अ सर्टेन कोड, तो सेवन का मतलब ये होता है और 958 का मतलब होता है हार्ड वर्क प्ले और 645 का मतलब होता है स्टडी एंड वर्क। तो हमें इसमें बताना है कि वेरी का मतलब क्या होता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि वेरी कहाँ पे है, यहाँ पे हार्ड में। तो हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है। हम इतना इसमें एट एट कॉमन है, तो हम इसमें से जो कॉमन है उसको निकाल देते हैं। देखो हार्ड और हार्ड निकाल देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा फर्स्ट और हम थर्ड में से देखते हैं कि क्या कॉमन है। तो इसमें देखो सिक्स सिक्स कॉमन है और इसमें क्या स्टडी, तो स्टडी स्टडी हम निकाल देते हैं। अब वेरी का मतलब सेवन बचा, तो ये हो गया सेवन। हम दोस्तों इसलिए इतना फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो हमने मतलब ये जो है बहुत बहुत मैंने ज़्यादा किया और आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा। अगर सब टॉपिक आपने सब वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं इतना फास्ट क्यों कर रहा हूँ। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 37 मीन्स होता है विच क्लास और 8583 का मतलब होता है कास्ट एंड क्लास। और तो हमें इसमें बताना है कि कास्ट का मतलब क्या होता है। चलो हम फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं कि क्या कॉमन है। थ्री देखो ये थ्री थ्री कॉमन है, तो थ्री का मतलब इसमें क्या हो गया क्लास। तो हमें पूछा क्या है कास्ट, तो हमें और इसमें से देखते हैं क्या कॉमन। इसमें से देखो और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमें एक ही कॉमन इसमें मिला थ्री और थ्री, जिसमें से हमें क्लास का मिला। अब हम इसमें बता नहीं सकते कि कास्ट का मतलब क्या होगा क्योंकि इसमें दो है, कास्ट भी है और एंड भी है। तो इसमें से पता कि नहीं चलेगा कि एट का मतलब कास्ट होता है या फाइव का मतलब कास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। इन अ सर्टेन कोड 247 का मतलब होता है स्प्रीड एंड रेड कारपेट। तो फिर ये बोला कि 256 का मतलब मीन्स होता है डस्ट वन कारपेट और 234 का मतलब होता है और रोल रेड कारपेट। तो हमें इसमें से बताइए कि आपको डस्ट का मतलब क्या होता है। तो हम देखते हैं इसमें डस्ट कहाँ है, सेकंड वाले में डस्ट है। तो चलो हम पहले और दूसरे में से पहले दूसरे में से देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो हमें यहाँ 22 कॉमन दिख रहा है, तो इसमें देखो यह कारपेट हमें कॉमन दिख रहा है, तो कारपेट हम निकाल देते हैं। देखो इसमें भी कॉमन टू है, तो हम चलो अभी टू का मतलब कारपेट हो गया। अभी फर्स्ट सेकंड और थर्ड में हम देखते हैं कि क्या कॉमन दिख रहा है थ्री और फाइव। तो कॉमन हमें पूछा क्या है डस्ट, तो अभी इसमें हम कॉमन कैसे निकालेंगे क्योंकि इसमें कॉमन निकालने के लिए कुछ है नहीं। रोल डस्ट रेड रेड, ये चलो मैंने सेकंड और थर्ड में निकालूंगा तो फिर भी तो ये इसमें निकलेगा, उसमें तो निकलेगा नहीं। फोर फोर निकलता है तो फोर का मतलब रेड हो जाएगा। चलो हम फोर का मतलब अगर रेड करते हैं तो भी हमारा थर्ड और फोर्थ में पता चलेगा कि सेवन का मतलब स्पायर्ड होता है और थ्री का मतलब रोल होता है। तो हमें डस्ट का मतलब नहीं पता चल पाएगा, तो हम इसे कह सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ए आ रहा हमारा आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। इन अ सर्टेन लैंग्वेज 526 मतलब होता है स्काई इज ब्लू और 24 का मतलब होता है ब्लू कलर और 436 का मतलब होता है कलर इज फन। तो हमें इसमें से बताना है कि फन का मतलब क्या होता है। हम इसमें देखते हैं फन कहाँ है, सेकंड लास्ट में है, सॉरी लास्ट में ही है। तो हम देखते हैं लास्ट और मतलब दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है। तो इसमें देखो हमारा फोर और फोर कॉमन है, तो जिससे हम कलर
निकाल देंगे। पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, हमें यहाँ पे दिख रहा है 6 और 6 कॉमन दिख रहा है, तो हम इसमें से इस निकाल देंगे, तो इस निकल जाएगा तो फन बचेगा इसमें 3, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा 3 यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। इन अ सर्टेन कोड 256 का मतलब होता है रेड कलर चौक, और 589 का मतलब होता है ग्रीन कलर फ्लावर, और 248 का मतलब होता है वाइट कलर चौक। तो हमें इसमें से बताना है कि वाइट का मतलब क्या होगा। चलो देखते हैं कि वाइट कहाँ है इसमें। वाइट है थर्ड नंबर पे यहाँ, तो चलो हम थर्ड को डिकोड करते हैं। थर्ड ऑफ सेकंड में हम देखते हैं कि क्या कॉमन हमें दिख रहा है, तो हमें इसमें 5 5 कॉमन दिख रहा है। तो चलो इसमें से अभी हमें क्या कलर्स निकाल लेंगे, तो 5 का मतलब कलर हो गया। चलो अभी हम थर्ड को फर्स्ट से देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन दिख रहा है। नंबर 2 देखो, हमें 2 2 कॉमन दिख रहा है, और इसमें से ये चौक, तो ये चौक निकाल देंगे, तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि 4 का मतलब वाइट होता है यानी बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड 467 का मतलब होता है लिव एयर ग्रीन, और 485 का मतलब होता है ग्रीन इज गुड, और 639 का मतलब होता है दे आर प्लेइंग। तो हमें इसमें से बताना है कि लीव्स का मतलब क्या होता है। तो अब इसमें देखते हैं हम लीव कहाँ है यहाँ पे, तो चलो हम इसके डिकोड करते हैं फटाफट। पहले और दूसरे में हम देखते हैं कि क्या कॉमन हमें दिखता है। 4 कॉमन, तो 4 नंबर से हम यहाँ देखो कॉमन ग्रीन, ग्रीन को हम निकाल देते हैं। अभी फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं कि क्या हमें कॉमन दिख रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड में हमें 6 नंबर कॉमन दिख रहा है, चलो हम इसमें आर आर निकाल देते हैं। आर आर कॉमन है, तो अभी इसमें क्या बचा 7, तो लीव का मतलब हो जाएगा 7। तो आई होप ए सी, आई होप आपको वीडियो यहाँ तक ये समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड 256 का मतलब होता है बॉय आर गुड, और 637 का मतलब होता है अमर इज़ गुड, और 348 का मतलब होता है लता इज़ बैड। तो आपको इसमें से बताना है कि अमर का मतलब क्या होता है। तो अमर कहाँ है, सेकंड नंबर पे। हम चलो सेकंड को डिकोड करते हैं। फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, हमें 6 कॉमन दिख रहा है। चलो हम गुड गुड को निकाल देते हैं, 6 का मतलब गुड हो गया। अभी हम सेकंड और थर्ड में देखते हैं कि क्या कॉमन दिखता है। तो हमें देखो 3 और 3 कॉमन दिख रहा है, तो इससे हमारा इज भी निकल जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा सिर्फ अमर। अमर को हम 7 बोल सकते हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट। इन अ सर्टेन कोड 256 का मतलब होता है यू आर गुड, और 637 का मतलब होता है वी आर बैड, और 358 का मतलब होता है गुड एंड बैड। तो हमें इसमें से बताइए कि आपको किस किस ये एंड का होगा। तो चलो एंड हम देखते हैं कि कहाँ पे है, एंड ये थर्ड वाले पे है। चलो हम डिकोड करते हैं थर्ड और सेकंड में कि कौन सा हमें कॉमन दिख रहा है। तो चलो इसमें से हम देखते हैं 3 और 3 कॉमन दिख रहा है, तो इसमें से बैड निकल जाएगा, बैड कॉमन है। चलो अभी हम फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं कि क्या कॉमन दिख रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड में हमें ये 5 कॉमन दिख रहा है, तो चलो 5 से ये गुड और गुड निकल जाएगा, तो इसमें बचा 8, 8 का मतलब हो जाएगा एंड, तो इसमें आएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो लास्ट है आज का, ये क्वेश्चन लास्ट है इस वीडियो का। तो देखते हैं, इन अ सर्टेन कोड 253 का मतलब होता है बुक आर ओल्ड, एंड 546 का मतलब होता है मैन इज़ ओल्ड, और 378 का मतलब होता है बाय गुड बुक्स। तो हमें इसमें से बताइए कि आर का मतलब क्या होगा। अभी हम इसमें देखते हैं आर कहाँ पे है, ये पहले वाले में। चलो फर्स्ट और सेकंड में हम देखते हैं कि क्या कॉमन है, ये 4 नंबर कॉमन हमें दिख रहा है, तो ओल्ड ओल्ड से मैं निकाल लूँगा। अभी ये बच्चा फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं कि फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 3 हमें कॉमन दिख रहा, तो ये बुक हमें यहाँ से निकल जाएगा। अभी आंसर में क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे आर बचा है, तो 2 का मतलब हो जाएगा आर। तो फ्रेंड्स ए इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।